हेलो, कैसे हो? हाल चाल बढ़िया साहब। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ब्लॉग लेके आ चुका हूँ। आज की इस ब्लॉग में हम जो है छतना से जाने वाले हैं गोविंद नगर के लिए। वो हम जो है भाया किंजापुरा होके जाएंगे। अभी देख सकते हैं हम जो है छतना का पेट्रोल पंप क्रॉस कर रहे हैं। चलिए जल्दी से जो है इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे जगह को जो है वो एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी जो है टाइम हो रहा है लगभग 4:27 और गूगल मैप जो दिखा रहा है वो रिटर्न होके दिखा रहा है, मतलब यू टर्न होके बांकुड़ा से दिखा रहा है, लेकिन हम उस रोड से नहीं चलेंगे। हम जो है किंजापुरा होके ही जाएंगे। तो आपको जो है थोड़ा सा उधर का भी रोड दिखाने के लिए ही उस साइड से हम जा रहे हैं। तो ये सीधा वाला जो रोड है ये अभी कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा ड्रेनेज का काम चल रहा था इस रोड पर। तो हम जो है इस रोड से ले रहे हैं और इस रोड से ही हम जो है जाने वाले हैं। ये बेसिकली यही रास्ता है, वो आपको सिर्फ बताने के लिए दिखाया हूँ। तो यहाँ पर कुछ जो है दुकानें हैं, ओप्पो का मोबाइल स्टोर है और एक जो है केक का शॉप है, उसका नाम है चक्कल। तो ये रास्ता का जो नाम है ये छतना किंजापुरा रोड है और इसको छतना बाईपास भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये रोड जो है पहली बार इस पर जो है मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। छतना तो आपने जो है बहुत सारे ब्लॉग में देख लिया था, लेकिन इस साइड का जो है वो आज ही देख रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये जो रोड है ये पूरा खाली है। इस साइड का जो छतना का मेन जो रोड है वो पूरा बाजार एरिया होके गुजरता है, तो पूरा भीड़ रहता है उसमें, लेकिन ये पूरा खाली रहता है। और ये जो है एक स्टेट हाईवे है, तो अब रोड को देख के ही समझ पाए होंगे कि ये एक स्टेट हाईवे है। तो ये जो है बांकुड़ा पुरुलिया या फिर बांकुड़ा का क्या नाम है झाटी पहाड़ी, ये वो रोड नहीं है, ये अलग रोड है। वो जो है छतना का मेन रोड है वो वाला, ये जो है अलग है। ये आपका छतना किंजापुरा रोड है इसका, और ये इसको छतना बाईपास भी, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको छतना बाईपास भी बोलते हैं। गूगल मैप पे छतना बाईपास ही दिखा रहा है इस रोड का नाम। तो अभी हम जो है ये क्रॉसिंग पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से किंजापुरा का है 6.2, झाटीपाड़ी है 12, खालतोड़ा है 32 के आसपास। तो हम ले रहे हैं यहाँ से राइट साइड का जो रोड है ये जा रहा है आपका छतना में। कोई छतना का जो सुसुनिया मोड़ है वहाँ पर जाके ये मिल रहा है। तो वहीं से ही जो पीछे वाला जो रोड है वो आगे जाके जो सुसुनिया मोड़ है वहाँ से ही जो है छतना का पूरा रास्ता जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ से ले लिए हैं हमारा किंजापुरा रोड। तो किंजापुरा हम नहीं जा रहे हैं, बेसिकली उससे आगे ही हम जो है घूम जाएंगे आपका गोविंदनगर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारा स्पीड ब्रेकर्स है, क्योंकि ये जो है हम गांव के अंदर इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर है। तो हमने जो है इसको क्रॉस कर लिया है, तो अभी जा रहे हैं सीधा। तो यह है इस साइड का नज़ारा। तो एक रोड जा रहा है, ये जो है लगभग जंगल जैसा ही पेड़ पौधा है। आज का जो वेदर है वो सोचा कि आज जो है हम ब्लॉग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना
तेज बारिश स्टार्ट हो गया था कि बीच में क्या ही बताओ कि लगभग 3 बजे के आसपास, अभी जो है 4:30 बज रहा है, तो 3 बजे के आसपास जो है इतना तेज बारिश हो रहा था कि आज जो है मैं सोचा कि चलो प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। फिर जो है लगभग 40 मिनट बारिश होने के बाद जो है वो रुक गया है, तो जो है हम निकल गए ब्लॉगिंग करने के लिए। फिर से जो है स्पीड ब्रेकर्स, अरे भाई इतना बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर दे दिए हैं। अरे कोई स्पीड में आके अगर इसके ऊपर चढ़ गया ना तो वो हो जाएगा उसका, बाइक का जो शॉकर है उसका हालत खराब हो जाएगा। तो चलिए भाई लोग, अभी जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक का एंजॉय कीजिए, और तब तक जो है हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जाने के बाद आपसे मिलते हैं। भाई लोग अभी जो है हम मनोहरपुर को क्रॉस कर रहे हैं, ये जो गांव है ये मनोहरपुर गांव है, और आगे से जो है हम लेफ्ट ले लेंगे ताकि हम जो है वो खोड़गाईर पहुंच जाए, और उसके बाद जो है हम आपका गोविंदनगर पहुंच जाए। तो फिर से स्पीड ब्रेकर्स, तो अभी यहाँ से जो है वो किलोमीटर दिखा रहा है कि 14 किलोमीटर के आसपास बाकी है और 23 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्री या शायद बन रहा है कि क्या, नहीं पता नहीं, तो यहाँ पर जो है कुछ फैक्ट्री जैसा ही कुछ लग रहा था। तो जो गांव है काफ़ी अच्छा ही गांव है, तो इसका जो नाम है वो है घटोर गांव। तो बाकुड़ा यहां से जो है 15 किलोमीटर, ढोलडांगा 15, और केंजियाकुड़ा जो है वो 1 किलोमीटर है। तो हम जो है लेफ्ट साइड में ले लिए हैं। तो देख सकते हैं बादल फिर से इकट्ठा होने को चला है। अब अगर फिर से बारिश आ गया तो जो है ब्लॉगिंग इसी टाइम को ही बंद करना पड़ेगा। तो ये जो रास्ता है ये पूरा गांव के अंदर होके जा रहा है, और इसी वेदर में जो है ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग आता है, क्योंकि अभी जो है उतना गर्मी नहीं है और आज जो है उतना ह्यूमिडिटी नहीं है। पहले जो जितना ह्यूमिडिटी था अभी उतना है नहीं। काफ़ी जो है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो फिर से घूम घूम के जाना पड़ रहा है।
हाइटेंसन वायर क्रॉस कर रहे हैं, वही वाला वायर है जो छापना में आप लोग देखे हैं। तो चलिए भाई लोग, अभी जो है थोड़ा सा फिर से बैकग्राउंड में म्यूजिक को एंजॉय कीजिए और तब तक जो है हम पहुंचते हैं। तो ये गोपालपुर गांव है, कुछ शायद कुछ गोडाउन वगैरह होंगे। अभी जो है गांव को क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम डाइना तरफ घूम जाएंगे। पूरी गांव का क्या नाम है उसका तो कोई बोर्ड नहीं दिया गया है, वो तो पता नहीं कौन सा गांव है, इसका नाम क्या है। तो अभी जो है 9.5 किलोमीटर दिखा रहा है खड़गाई, तो बाकुड़ा वहाँ से जो है थोड़ा सा और भी लगेगा, मतलब गोविंदा नगर 2-3 किलोमीटर। तो ये गांव का नाम है कुलबोना गांव है। फिर से जो है हाइटेंशन वायर को क्रॉस कर रहे हैं। तो अभी आगे से जो है हम दाहिना तरफ घूम जाएंगे। यहाँ से हम दाहिना तरफ घूम लिए हैं, फिर से जो है हाइटेंशन वायर्स को क्रॉस करेंगे। ये जो हाइटेंशन वायर्स है ये 11,000 वोल्ट का है और 33,000 वोल्ट का जो लाइन है होता है वो ज़्यादातर इंडियन रेलवेज में यूज होता है। तो फिर से गांव हम एंटर कर लिए हैं। आज का वेदर मस्त है एकदम, ज़्यादा गर्मी नहीं है बिल्कुल, धूप भी नहीं है, बढ़िया सा वेदर है। सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है एक गांव है और गांव के साइड में जो है बिजली का कोई भरोसा है नहीं, अब आया को कब नहीं। तो चलिए फिर से जो है थोड़ा सा म्यूजिक को एंजॉय कीजिए।
फिर से जो है सारा बहुत सारा गांव को क्रॉस करने के बाद फिर से जंगल स्टार्ट हो गया है। और अभी जो है लगभग 6.2 किलोमीटर दिखा रहा है कि पड़ गए। तो खोड़गाइट जो गांव है वो जो है राजग्राम के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आपसे मतलब वो गांव पड़ता है। तो मतलब जो आपने जो बड़ा जोरदार से जो सॉरी आपका जो बांग्ला से बांकुड़ा का जो ब्लॉक किया था उसमें आपको दिखा दिए थे कि खोड़गाइट कौन सा है, तो बेसिकली उसी रोड में ही हम जाके मिल रहे हैं। फिर से जो है यहाँ से एक रोड जा रहा है, ये जो है बंगाली में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता है नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ है पता नहीं, कुछ मेले वगैरह शायद हो रहा है यहाँ पर, इतना भीड़ है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:00 मतलब 4:48 टाइम हो रहा है, और दिखा रहा है कि 10 मिनट में हम जो है खोड़गाइट पहुँच जाएंगे। तो रोड जो है बिल्कुल सीधा ही रोड है अभी, और इतना जो है टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं है। लेकिन रोड जो है वो प्लेन नहीं है इस साइड का, फिर से जो है मतलब ऐसे हो रहा है। GoPro में शायद स्टेबल ही आपको नजर आ रहा है इसमें जो है। तो ये हम जो है भादुलारा गांव पहुंच चुके हैं। तो अगर वो नीचे वाला अगर रोड लेते तो हम जो है भादुलारा गांव पहुंच जाते। तो यहाँ से एक और रोड जो है वो उसी बांकुड़ा छतना वाला रोड पे जाके मिल रहा है, मतलब उसे अंदर साइड का एक जो है वो है। तो हम जो है भादुलारा आए थे बहुत बार, यहाँ पर जो है एक स्कूल का फ्रेंड का घर है, तो उसे जो है आए थे उस टाइम पे, बहुत साल पहले अभी नहीं आए थे। तो ये जो है भादुलारा गांव है, इसका जो है बाजार एरिया है। तो हम सीधा ही लेंगे यहाँ से जो ये वाला रोड है, ये आपका जाके मिल रहा है आपका वो सालबोनी के वहाँ पर मिल रहा है, रांचूड़ी के जस्ट पहले। तो इधर भी जो है मतलब ये पूरा रास्ता ही पेड़ पौधे से जो है वो घिरा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, मतलब ग्रीनरी बहुत है इस साइड में। तो अभी जो है भादुलारा को क्रॉस कर लिए हैं, और हैं आगे। तो चलिए फिर से जो है थोड़ा सा म्यूजिक को एंजॉय करते रहिए, तब तक आगे जाने के बाद आपसे मिलते हैं। भाई लोग हम जो है भादुलारा को क्रॉस करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बेरूट। तो ये जो गांव है इसका नाम है बेरूट। तो अभी जो है बेरूट गांव को क्रॉस कर रहे हैं, और मेरे जो है डायना साइड पे आपको मिलेगा दरकेश्वर रिवर,
वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो पास ही है। हम बिल्कुल पैरेलल ही चल रहे हैं दरकेश्वर रिवर। तो लगभग जो है खलगाइर पहुंचने ही वाले हैं, लगभग अभी जो है 1.8 किलोमीटर बाकी है। तो ये जो टावर दिख रहे हैं ये जियो का टावर है, और बांकुड़ा का जो कारजोई डांगा का जो BSNL टावर है वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि नहीं, नहीं पता कैमरा में, मुझे तो नज़र आ रहा है। तो लगभग खड़गाइल पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से जो है एक बोर्ड दिया गया है कि रास्ता जो है वो ढलान है, और ढलान जो है वो स्टार्ट हो गया है, फिर से जो है वो चढ़ाई स्टार्ट हो गया है। सो भाई लोग अभी जो है खड़गाइर जस्ट पहुंचने वाले हैं, थोड़ा आगे ही है। तो यहाँ का रोड जो है बेकार हो गया है, एकदम फटा फूटा रोड। तो जो मतलब राजा ग्राम साइड से अगर बांकुड़ा अगर आपको जाना है तो यही जो है मेन रोड है, ठीक है। आगे वाला जो ये वाला जो रोड है ये आपका जो है इमरजेंसी रोड है, ठीक है। और मेरा जो डाइना साइड का जो रोड जा रहा है वो जा रहा है आपका राजा ग्राम की तरफ, और मैं ले रहा हूँ बाई तरफ का रोड का गोविंद नगर जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा का पंडाल बन रहा है, अभी क्या थीम होगा पता नहीं। तो दुर्गा पूजा का भी जो है एक वीडियो आपको मिलेगा, अब ब्लॉग करेंगे या वीडियो करेंगे वो तो अभी सोचा नहीं है, लेकिन आपको जो है वीडियो मतलब जरूर मिलेगा, क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे इतना भीड़ और शोर शराबा रहता है, अगर ब्लॉग करेंगे भी तो आपको जो है वो सुनाई नहीं देगा। तो कोई आप फिर से जो है मतलब मैं बोल रहा हूँ और बहुत तेज जो है वो गाना बज रहा है, लोगों का जो है वो शोर हो रहा है, तो ब्लॉग करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आपको जो है वो इरिटेटिंग ही लगेगा। तो उससे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ तो हम जो है वीडियो करेंगे और बैकग्राउंड में जो है म्यूजिक डाल देंगे। पूरा बांकुड़ा का ही अब हमको देखने के लिए मिलेगा दुर्गा पूजा कैसा होता है, और दिवाली के टाइम पे जो है हम रहेंगे नहीं बांकुड़ा में, थोड़ा बाहर काम है। तो अगर रहते हैं तो आपको फिर से दिवाली का भी इस साल का भी दिखाएंगे, लेकिन दुर्गा पूजा का जो है वो आपको ज़रूर फाइनल आपको दिखाएंगे, वो एकदम 100% कन्फर्म है। तो अभी जो है हम गोविंद नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल का पूरा जो एरिया है उस वहाँ पर है। अभी ये जो है पूरा इस साइड में पूरा हॉस्पिटल्स है, और इस साइड पे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो क्वार्टर वगैरह है वो है इस साइड में। दुर्गा पूजा के टाइम पे जो है इतना मतलब भीड़ हो जाता है कि जो है वो रोड को बंद कर दिया जाता है। बाइक फोर व्हीलर तो मतलब अभी से बंद हो गया है बहुत सारे जगह पर, और दुर्गा पूजा के टाइम पे मतलब जो सप्तमी जो उसको कहते हैं, जिस दिन से जो है वो पूजा स्टार्ट हो रहा है,
उस दिन से जो है बाइक का भी जो है एंट्री बंद हो जाता है। लेकिन हम जो है मतलब वो किंदवाड़ी रोड पूरा बंद होता है, फिर हमारा घर जो है वो वहाँ पर ही है, तो इसलिए जो है हम लोगों का छूट है। लेकिन बाहर का जो भी लोग अगर जाएंगे तो वो उनको वो अलाउड नहीं होगा। तो हम जो है गोविंदा नगर पहुँच चुके हैं। तो ये जो है आयला कुंडी का साइट भी हाउसिंग है, सब गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह है ये सभी। और आगे है आपका फायर ब्रिगेड, और मेरा बाएं तरफ है आपका पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का। ये है फायर ब्रिगेड, तो हम जो है इस साइड में ही ले लिए हैं, क्योंकि वो इतना कौन घूमेगा, यहीं से ही शॉर्टकट मिलता है। ये है काली माता का मंदिर, ये है फायर ब्रिगेड। सो चलिए भाई लोग, ये जो ब्लॉग है ये यहीं तक ही था। तो कैसा लगा नीचे कमेंट पर ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो टिल देन, बाय बाय।